हमें यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पीएसडब्ल्यू को बेसिकली ये चेंज नहीं करने वाले, अपना डिपेंडेंट आप ला सकते हो तब तक जब तक तो नेक्स्ट ईयर के लिए कोई भी आ रहा है तो भाई उसको जो है वो डबल फी पे करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार लास्ट वीडियो के अंदर मुझे बहुत सारे कमेंट्स थे कि अहमद भाई यार आपने वीडियो तो बना दी, ये तो बता दिया कि भाई कुछ रूल्स हैं जो चेंज होने वाले हैं या रूल चेंज हो चुके हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भाई वो रूल कब चेंज होने वाले हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज़ अहमद और मैं यूके में रहते हुए स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए कुछ वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई डू सब्सक्राइब। तो भाई सबसे पहली न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी मेंशन किया था कि भाई अगर कोई भी वर्क वीज़ा के ऊपर आ रहा है तो भाई यहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग आप लोगों को डिपेंडेंट लाना अलाउड नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर बहुत सारे मैसेजेस थे कि यार अगर हम डिपेंडेंट नहीं ला सकते तो हमने बच्चे ला सकते हैं। तो भाई उन्होंने क्लियरली मैंशन कर दिया कि भाई कोई भी अपना डिपेंडेंट नहीं ला सकता। हाँ, अपना डिपेंडेंट आप ला सकते हो तब तक जब तक ये रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और ये रूल चेंज कब होगा, तो ये रूल चेंज होने वाला भाई स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग बनता है मार्च अप्रैल मई के दरमियान, ठीक है। अप्रैल के अंदर वेजेस भी चेंज होती हैं, वो भी बढ़ रही हैं, एक पाउंड उसका भी बढ़ रहा है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि आप लोग डिपेंडेंट ला सकते हो या नहीं ला सकते अगर आप किसी भी वीज़ा के ऊपर आ रहे हो। स्पेशली केयर वर्कर वीज़ा को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 100,000 वीज़ा इन्होंने दिया है जो बंदा यहाँ पर केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर आ रहा है, 1,00,000 से ज़्यादा है। और जो केयर सीनियर केरियर के अंदर आ रहा है उसके अंदर इन्होंने 1,20,000 वीज़ा दिए हैं। यानी कि आप सोच लगते हो कि सिर्फ 2,50,000 जो वीज़ा है ना, ठीक है, 2,50,000 मैंने एस्टिमेटेड बता दिया, उन्होंने सिर्फ केयर का दिया। यानी कि 67% जो बनता है ना वो सिर्फ केयर का वीज़ा इस बार आया, और बाकी जितने भी परसेंट बचते हैं वो दूसरा वीज़ा। यानी कि ओवरऑल आप देख लो कि 50% से ऊपर जो है वो लोग केयर वीज़ा के ऊपर यहाँ पर आए हैं। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि भाई बहुत बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है और हम इसको रोकना चाहते हैं। क्योंकि अब बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं आप इसको चेंज क्यों कर रहे हैं, वो इस वजह से चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें जॉबें नहीं मिल रही, हमारी अकोमोडेशन जो है वो महंगी हो रही है। वो क्यों महंगी हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट इतना आ रहा है, डिपेंडेंट इतना ज़्यादा आ रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि भाई इसको बंद कर दें। आपको पता है कि स्टूडेंट अगर अपना डिपेंडेंट लाना चाहता है वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब जो बंदा केयर वर्क के ऊपर भी आना चाह रहा है तो उसके ऊपर भी ये लोग डिपेंडेंट बंद कर रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग के अंदर। तो उससे पहले पहले कोई भी बंदा यूके आना चाह रहा है अपने डिपेंडेंट को लेके, तो भाई वो यूके आ सकता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा भाई एज सून जितनी जल्दी आपको कोई भी वीज़ा मिल रहा है उसको लो और लेके यहाँ से निकल जाओ। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न है सेकेंड पॉइंट क्या है, वो ये है कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मेंशन किया था कि अगर आपको यहाँ पर स्पॉन्सरशिप जॉब चाहिए हो तो उसके लिए आप लोगों को 26,200 पाउंड की जो है ना पर अनम की जो जॉब है वो रिक्वायर्ड होती है, लेकिन उसको भी ये लोग चेंज करके कर रहे हैं भाई 36,000 या 38,700 के अराउंड, ठीक है। यानी कि आप कह लो 40,000 के अराउंड जो है ना वो आपको एक जॉब चाहिए होगी अगर आप लोग यहाँ पर स्पॉन्सर होना चाहते हो तो। और अगर आप लोग स्पॉन्सर नहीं भी होते तो ये देखो कि आप लोग पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो भाई सीधी सी बात, सिंपल इज दैट, ये है कि आपको अब कोई जॉब लेनी है, अब ये मेरे लिए भी मुश्किल है और जो लोग अब आने वाले हैं उन लोगों के लिए भी मुश्किल है। वो मुश्किल क्या है, वो मुश्किल ये है कि भाई हमें भी, मेरी अब डिग्री ख़त्म होती है तो मुझे कोई ऐसी जॉब ढूंढनी पड़ेगी जो कि मुझे तकरीबन 40,000 की पे देती हो पर अनम, ठीक है। अगर वो मुझे देंगी तो फिर जो है मैं आगे स्पॉन्सरशिप ले सकता हूँ और पीआर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो भाई सीधी सी बात है, ये इन्होंने रूल इसीलिए रखा है ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको पहली प्रायोरिटी दी जाए। जैसे कि आपको पता, लास्ट वीडियो मैंने कनाडा के ऊपर भी एक बनाई थी, उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा था कि अगर पहले उन्होंने चेक करना है कि हमारे इलाके के अंदर, यूके के अंदर कितने ज़्यादा लोग हैं जो इस जॉब को कर सकते हैं, पहले उनको टारगेट करो, अगर आपको कोई बंदा नहीं मिलता तो फिर उसको ओवरसीज से आप लोग मंगवा सकते हो। तो सिंपल इज़ दैट भाई, पैसे उन्होंने बढ़ाई इसलिए ताकि लोग वहाँ से आ ही ना सकें। ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी लोग वीज़ा ले रहे थे वो इसी वजह से ले रहे थे कि एक तो आपको कम पैसों पे मिल जाता था, पैसों से मरा लोग बाय कर लेते थे, ऊपर से पे जो थी उसका टैक्स थोड़ा देना पड़ता था, ऐसे टैक्स भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो मेरे नहीं ख्याल में कोई आपको इस तरह स्पॉन्सर इजीली देगा। थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं पीएसडब्ल्यू की। बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज भी ड्रॉप किया था कि भाई मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट करो, तो इतने ज़्यादा मैसेज थे कि यार आप पीएसडब्ल्यू का बताओ, पीएसडब्ल्यू पे क्या होना चाहिए, हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, पीएसडब्ल्यू चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो भाई अभी उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, ठीक है। मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पर डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। लास्ट वीडियो में भी बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि यार आपने लिंक तो दिया नहीं, लिंक तो दिया नहीं, तो यार मैं भूल जाता हूँ
इंसान हूँ, तो मैं आज लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पर पूरी न्यूज़ डिटेल के अंदर पढ़ सकते हो कि उन्होंने क्या बातें की हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो रूल है आप लोग नीचे जाके सारे डिटेल के अंदर पढ़ लेना। तो भाई PSW को बेसिकली ये चेंज नहीं करने वाले, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बिठाएंगे, ठीक है, जो कमेटी इस चीज़ को पूरी देखेगी, ऑब्जर्व करेगी और फिर बताएगी कि क्या रिजल्ट है। लोग यहाँ पर यार बेसिकली वो देखना चाह रहे हैं कि लोग जो है ना अपना वीज़ा स्विच वगैरह करते हैं या यहाँ पर काम करने पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो वो यही चीज़ें देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो स्टडी पे ज़्यादा फोकस करे और काम कम करे ताकि हमारे लोगों को काम ज़्यादा मिल सके। तो अभी बेसिकली एक कमिटी बैठेगी, उससे पहले अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब बात कर लेते हैं हम फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट बेसिकली आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, वो इसलिए क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर आते हो IHS NHS की फ़ीस पे करते हो, तो उस टाइम के ऊपर आपको तकरीबन 600+ pounds जो है वो पे करने पड़ते हैं, अराउंड 660 आई गेस, तो इसके अराउंड आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है एक साल की आपकी ये फ़ीस होती है, इसको बढ़ा के ये लोग मेरे ख्याल में 1038 कर रहे हैं। तो अगर कोई भी नेक्स्ट ईयर पे आ रहा है, इस साल तो जो दे रहा है वो दे रहा है, ठीक है, जो भी इस साल अभी एडमिशन ले रहा है दिसंबर के अंदर, तो उसकी फ़ीस थोड़ी है, ठीक है, 600+ है पर ईयर की। लेकिन अगर कोई नेक्स्ट ईयर के लिए आ रहा है तो भाई उसको तकरीबन 1038 के अराउंड, ठीक है, 1040 लगा लो, इसके अराउंड एक साल की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो अगर कोई बैचलर पे आ रहा है तो वो सोच लो उसका तकरीबन 4 साल का वीज़ा लगता है, तो उसको तकरीबन 4500 pounds के अराउंड जो है ना वो IHS फीस ही पे करनी पड़ेगी। तो वो खुद ही देख लो कितनी बनती है, अराउंड 13-14 lakh तो आपकी सिर्फ IHS की फ़ीस बनती है। उसके बाद आपको आपकी फ़ीस पे करनी है, आपका नेशनल पे करना है, वैसी फ़ीस देनी है, अपॉइंटमेंट की फ़ीस देनी है, तो ये सब मिल मिला के आप लोगों का नेक्स्ट ईयर जो है ना वो 40+ इजीली हो जाएगा, इजीली। तो कोई भी स्टूडेंट आना चाह रहा है तो भाई वो मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो मैं भी उसकी हेल्प कर सकता हूँ। ये ना हो कि कोई मुझे मैसेज करे कि भाई मुझे फुली स्पॉन्सरशिप चाहिए, ऐसी फिलहाल मेरे पास कोई गुड न्यूज़ नहीं है। जैसे ही होगी उसकी भी मैं वीडियो डिटेल में बना दूंगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए कोई भी आ रहा है तो भाई उसको जो है वो डबल फी पे करनी पड़ेगी IHS की। तो अब हम बात कर लेते हैं उस कंक्लूजन की कि भाई हमें UK आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो भाई जो लोग स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं तो ये ध्यान रखो कि आपके पास अभी तकरीबन 4 months है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपके पास टाइम है, ठीक है। जिन लोगों को कोई भी वीज़ा मिल रहा है, केयर का किसी तरीके का भी कोई भी वीज़ा मिल रहा है, तो भाई जितनी जल्दी एज पॉसिबल पाकिस्तान, इंडिया, कहीं भी हो, आप लोग कहाँ से भी वीडियो देख रहे हो तो वहाँ से निकलो। मैं इतनी खामोशी में इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा रूममेट इस टाइम सो रहा है और मेरे पास इस टाइम बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे भी सोना है, सुबह जॉब पे जाना है। और जो लोग जनवरी इनटेक के अंदर आ रहे हैं तो उन लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनको PSW 100% मिलने वाला है। वो क्यों, जो जिस रूल के अंदर आता है ना उसको उसी रूल के अंदर चलना पड़ता है, ठीक है। तो आपको PSW 100% मिलने वाला है, लेकिन जो नेक्स्ट इनटेक आएगा, अभी तक आपको बताया कि कमेटी बैठेगी, वो बताएगी कि भाई क्या बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर हम सोचें कि भाई 2024 के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि लाजमी आऊँ, ठीक है। किस्मत जो है वो मेहरबान होती है, अगर आप यहाँ पर हार्ड वर्क करो तो बहुत पैसा यहाँ पर यकीन मानो आ जाओ, लेकिन यह कि हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है, 2-3 महीने बहुत सर्वाइव करना पड़ता है, तो लाजमी आओ। लेकिन यह है कि आपको जॉब जो है वो ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपको तकरीबन 40,000 पे कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।